हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल LHEV इंडिया में। आपको बता दें, 6,000 रुपए तक गिर गए हैं सोने के दाम और आगे कितना सस्ता होगा सोना, जाने सब कुछ। अगर आप सोना चांदी के खरीदार हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। तो आज हम आपको बताएंगे सोने चांदी का आज का रेट क्या है और कैसा रहेगा आगे का हाल। क्या 50,000 रुपए से नीचे आने की उम्मीद है सोने की, तो इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के रेट में काफी गिरावट देखी जा रही है, जिससे ग्राहकों के चेहरे भी खिले हुए हैं। आपको बता दें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड वायदा का भाव लुढ़क कर 50,180 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। लगातार चौथे दिन इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी भी गिरावट के साथ 62,043 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। सोना आज करीब 450 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी 718 रुपए सस्ती हुई। अगर बात करें अगस्त महीने की, तो अगस्त महीने में सोने का भाव 56,200 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इसमें अब 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की यानी 1 तोला की गिरावट आ चुकी है। आज वैश्विक बाजारों में सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें, एनालिस्ट का कहना है कि 1,850 डॉलर प्रति औंस पर पार करने के बाद भी सोने का भाव 1900 डॉलर के स्तर को नहीं छू पा रहा है। कई कारणों से सोना इस रेंज में कारोबार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही अच्छी खबरों ने भी सोने पर दबाव डाला है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर कब तक ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। चलिए जानते हैं कि क्या 50,000 रुपए से नीचे आएगी सोने की कीमत। जानकारों का कहना है कि सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे फिसल सकता है। हालांकि 49,550 का सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। चांदी का भाव भी 62,000 रुपए से नीचे आ सकता है। आने वाले दिनों में चांदी का सपोर्ट लेवल 59,500 के स्तर पर रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।